थैंक यू। जय सेवा, जय जोहर। सबसे सर्वप्रथम आज जो विषय मैं लेके आया हूँ, इस अनुसूचित जाति जमाती और अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 और उसमें उससे रिलेटेड सामाजिक विचारसरणी और पहल, जो कि दिन ब दिन जो कायदे और कानून और उसमें अमेंडमेंट्स और कुछ जजमेंट्स आते रहते रहे कोर्ट में, तो सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे काफ़ी दिनों समय बाद अच्छा मंच मिला। मैं सुनिहार सिंह ताराम जी का धन्यवाद चाहता हूँ, नरेंद्र किशोर नेताम जी का धन्यवाद चाहता हूँ कि गोंडवाना दर्शन के माध्यम से मुझे अच्छा मंच दिया कि कायदे विषय जो कुछ भी अनुसूचित जनजातियों के माध्यम से मुझे कुछ कहने का जो आपने मुझे मंच देने की वजह से मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं अपना खुद का परिचय देना चाहता हूँ। मैं हूँ सचिन देवनाथ गावड़े। मेरा मूल निवासी है, मूल निवासी मोहली, तालुका धानोरा, जिला गढ़चिरौली। उसके बाद 2007 में मैंने LLB नागपुर मेन ब्रांच से किया। बाद में 2012 में मैंने LLM चंद्रपुर में किया। 2013 में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की तरफ से जो भी कुछ शासकीय अभियुक्ता करके जो रिक्रूटमेंट निकलती है उसके द्वारा से मेरा चयन किया गया और 2013 के बाद से लेकर मैं अभी तक सेवा में कार्यरत हूँ। ये मेरा छोटा सा मैं थोड़ा परिचय देना चाहता था। तो सर्वप्रथम कुछ मराठी माया भाषाओं में रहने की वजह से कभी कभार मेरी कुछ शब्द रचनाएं मेरी मराठी आ सकते हैं, इसके लिए मैं आपका आप मेरे बंधु हैं मुझे समझ सकते हैं, इसलिए वो बात ज़रा बाजू में रखे मैं अपना विषय चालू करना चाहता हूँ कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ आई थी कि अपनी इतनी पुरानी संस्कृति, अपने पुराने जतन किए हुए जो कुछ भी शासक थे, पुराने संस्कृति होने के बावजूद भी हमें आज अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक कायदा में ढालने की ज़रूरत गिर गई, यानी परिस्थिति कैसे आ गई इसका भी अवलोकन करना ज़रूरी है। जैसे कि मैं सर्वप्रथम कहना चाहता हूँ कि अपनी जो भौगोलिक एटमॉस्फेयर है या भौगोलिक परिभाषाएं को देखते हुए पूरी दुनिया में गोंडवाना खंड और लाउरिस खंड, ये दो खंड में विभागें हुई थी और उसके बाद में समय समय पे उसकी परिभाषाएं बदलती गई। बाद में कुछ सिंधु संस्कृति आई, हड़प्पे संस्कृति के बाद कुछ लोगों कुछ जनजातियों का भी विश्लेषण हुआ, पर सिंधु नदी के उस पर रहने वाली यानी भारत के विभागने के द्वारे पहले सिंधु नदी का उधर रहने वाले जो लोग थे उसका फिर अनुलोप होते हुए हिंदू लोग यानी सिंधु नदी के उस पर रहने वाले हिंदू लोग, ऐसी धारणाएं कही गई। लेकिन गोंडवाना खंड में गोंड जाति के लोग जो कुछ अपने टोलियां बना के रहते थे उनके बारे में कोई हिस्ट्री लिखी गई नहीं थी। तो इस वजह से कुछ मनुवादी के माध्यम से या कुछ ब्राह्मण समाज की जो चार वर्ग क्रिया करने गए थे, जबकि गीता में ऐसा कुछ ही श्री कृष्ण ने नहीं कहा गया था। श्री कृष्ण जी का गीता में यही कहना है कि मैं उनमें हूँ, आप मेरे में हैं, मैं आप में हूँ, बस इतना ही कहा था। विवेकानंद जी का भी बड़े बड़े विवेकानंद जी का भी स्टेटमेंट ऐसा दिया है, किताबों में लिखा है कि आप धर्म के नाम पर जो कुछ भी प्रचार करते हैं वो धर्म प्रसार के माध्यम से गलत लोगों को माहिती या जानकारी देते रहते। मुझे ये कहना है कि SC अनुसूचित जाति जनजाति में आप अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे तो नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया, अपने जैसे महाराष्ट्र में गोंडवाना राजा थे, बल्लारशाह चंद्रपुर में और अहेरी में भी राजा रजवाड़े जमींदार लोग थे, ऐसे बड़े बड़े यानी राजा रजवाड़े संस्कृति उनकी जतन यानी उसकी रख रखाव जिस प्रकार अपना कल्चर है वो इस सभी होने के बावजूद भी आज अनटचेबिलिटी या छूत अछूत जैसे कायदों में हमको आना पड़ा कि नहीं हमको मेंटली एक्सप्लॉइटेशन जा रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट अदर साइड से हमें सोशली इकोनॉमिक डेवलप
करने के लिए इस कैटेगरी में उनको प्रिजर्व देने करने के लिए हमको राइट्स दिए गए। लेकिन साफ तरह से इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो हमें कुछ तो कहीं तो सोशली हमें बैकवर्ड या बैकसाइड में रखा जा रहा है। तो सर्वप्रथम पहला मुद्दा ऐसा है कि धर्म या रिलीजन, यानी हम अपने देव देवताओं को लेकर निसर्ग की पूजा करते हैं, कुछ शैक्षणिक या आर्थिक वजहों से हमें डाइवर्ट किया गया या उस समाज से हमें और दूर हम उससे होते गए, इसकी वजह से भी। और बात यह है कि हमें लिखित स्वरूप से कुछ न होने की वजह से भी और एक इम्पैक्ट हो सकता है कि हम और पीछे रह गए, क्योंकि रिटर्न ऐसा कुछ भी नहीं, बस हिस्ट्रोलिकल है, उसको हम कैरी ऑन करते रहे। और जनरेशन टू जनरेशन जैसे ही हम आगे चले गए, लेकिन वो कुछ कुछ हर जनरेशन एक ही बात नहीं बता सकते, इसलिए कुछ कुछ अच्छे अच्छे रीति रिवाज भी हम लुप्त और हम खोते बैठे। तो धर्म का भी हमें कुछ तो भी माध्यम से हम लिखित स्वरूप से होना चाहिए, जो कि यूनिवर्सली ना हो सके, परंतु कहीं कहीं रिस्ट्रिक्ट जोन जहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने दिया है कि नहीं दिस इज़ द ट्राइबल जोन, तो उस हम एरिया को भी रिजर्व करके या रिजर्व करके रख सकते हैं। दूसरी बात है कि पॉलिटिकल जो है वो भी एनी बेजेंट ने कहा था कि एक राजकीय बीमारी का एक वर्ग लोगों ने प्रहार करती है, जो कि राजकीय लोग का जो भी कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है वो जो लोअर कैटेगरी को ही ज़्यादा बैठ जाता है, इसलिए कभी कभार वो कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान ये भी कुछ देखा जा चुका है। तीसरा है कि मैं अभी ये जो दिन ब दिन जो जनरेशन या परिस्थितियाँ बदलती गई उसकी वजह से हम और पीछे चलते गए, जबकि हमारे खुद की ही कुछ शासक राजा थे, उतने होने के बावजूद भी हम आज यानी नॉन SC कैटेगरी जो अन्य जो लोग हैं उनका देखने का सोचने का और बिहेव करने का जो भी कुछ तरीका है वो गलत है। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के आर्टिकल 342 के अंतर्गत में डाल दिया गया कि नहीं कि अनुसूचित जनजाति को भी कुछ प्रावधान दिया जाए। तो कायदा करने के लिए मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ कि जनरली कोर्ट में ये आते हैं कि अनुसूचित जमाति जनजाति में क्या अधिकार है। मैं सब सर्वप्रथम अधिकारों के मामला कर चाहता हूँ कि 1989 जबकि अपनी हिस्ट्री देखा जाए तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये कायदा बनाया 1989 में एनफोर्स किया गया। तो 1989 में जब ये कायदा किया उस वक्त की परिस्थिति काफ़ी बदल गई थी, जबकि हम काफ़ी और पीछे चले गए। अभी कोर्ट प्रोसीजर में या अपन सोशल एस्पेक्ट में जब जीने लगते हैं तो जीते तो लोगों के क्या अन्य धारणा है कि अगर कोई भी नॉन SC और नॉन ST पर्सन आपको घृणास्पद ऐसी कोई भी चीज़ खाने की दे या ज़बरदस्ती किए या अपने अपने समाज की जो भी कुछ जगह होंगी उसमें कुछ वो जानबूझ के पता होने के बावजूद भी कुछ गंदा काम करे या अपमान करने की कोशिश करे, झिंड निकाले और इलीगल तरफ से कुछ तो भी ST कैटेगरी की ज़मीन हस्तगत करने की कोशिश करे, मतदान या आपको वोटिंग करने के लिए कुछ अलग डाइवर्सिटीज यानी हथियारे करने की कोशिश करेंगे, तो इस मामले में भी या झूठी सरकार को यानी झूठी जानकारी दो लोक सेवक जो है उनको झूठी जानकारी देके कुछ तो भी उसका गैर फायदे की तरह से काम करना और स्त्री के ऊपर भी पुरुषार्थ दिखाना, ये जो है अनुसूचित जाति जनजाति में, यानी मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ इनको गाली गलौज किया जाए या पब्लिक प्लेस में कुछ तो भी डोमिनेट किया जाए ये इस तरह का ये नहीं है। इसके बावजूद भी कुछ अधिकार है, जैसे कि स्त्रियों को भी स्पेशली प्रोटेक्ट किया गया है कि सामने वाले आरोपी को पता है कि ये अनुसूचित जनजाति का घर है, इसमें वो लड़की रहती है, फिर भी वो उसके घर में घुस के
ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं कोर्ट में, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे मामले में भी SC ST एक्ट लगाया जा सकता है। इसलिए और उस गांव में भी अगर ऐसा कुछ करे तो उसको 2 साल के लिए तड़ीपार भी किया जा सकता है। यानी कलम 3 में ये सभी बातें लिखी गई है कि प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एंड लिबर्टी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये कायदे का मैं पूरा डिटेल नहीं जाऊंगा, जो भी कुछ प्रावधान जाए, जो भी पनिशमेंट है, लेकिन सर्वप्रथम मेरा ये कहना है कि ये जो अनुसूचित जाति जनजातियों को जो भी कि राइट्स दिए गए उसके बाहर जाके मैं सिर्फ अनुसूचित जनजातियों के मामले में अपने कहना चाहूँगा कि जो कायदों में जो रूपांतर किया गया है हम यूनिवर्सली ये नहीं है, क्योंकि ST और ST में अभी हाल ही में ऐसा भी देखा गया है कि शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जमाति को आर्टिकल 90 को भी ये दिया गया है कि माइग्रेंट यानी एक लेटेस्ट केस हुई थी चिल्वर देवी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यह कि यहाँ में ऐसा कहा गया है कि एक शेड्यूल ट्राइब जो महाराष्ट्र की थी जो आंध्र प्रदेश में चली गई, आंध्र प्रदेश में चले जाने के बाद महाराष्ट्र में जो शेड्यूल ट्राइब की जो फैसिलिटी दी गई है वो उसको एडवांटेज या उसको फायदे उसमें आंध्र प्रदेश में नहीं दे सकती है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया है। जबकि ऐसी अनुसूचित जाति को नहीं दिया गया है, वो यहाँ का भी राइट्स एप्लीकेबल कर सकते हैं, यानी वो शेड्यूल ट्राइब को फिर ऐसा इम्पार्शियल करने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी ये छूत अछूत जो अनटचेबिलिटी बोलते हैं वो अबोलिश किया गया है आर्टिकल 17 में, उसके बाद उसको अबोलिश करने के बाद अभी अनुसूचित जनजातियों को भी फिर ये यानी मैं कुछ दोष दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉ एंड जुडिशरी या जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जो बातें यानी कायदे निकालते हैं उसमें क्या खामियां रहती जिसकी वजह से सोच ग्राउंड लेवल पे उसके अफेक्ट्स गिरते हैं। अभी देखिए कि महाराष्ट्र में 47 कैटेगरीज हैं शेड्यूल 9 कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि अभी उसमें भी कुछ कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें कॉलम नंबर 38 में धनगढ़ 36 में धनगढ़ का कुछ वर्ड यूज़ किया है और इसी का धनगर समाज ने फिर उसमें एंटर करने की कोशिश की थी जो कि वो बेनिफिटेड नहीं रहा। अभी मैं इसलिए बात खोल रहा हूँ कि अनुसूचित जनजाति के लिए यूनियन टेरिटोरीज ऑर्डर्स 1951 ये फिर से और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1951 में एक ऑर्डर निकाला, स्पेसिफिक ऑर्डर यानी वो कायदा नहीं रहता, एक स्पेशल प्रोविजन रहता है। अभी उसमें क्या किया गया कि इसका बंटवारा कैसा किया जाए, यानी मेरा कहने का ये जो हाईलाइटेड करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि अभी वहाँ पे कैसा है कि लक्षद्वीप बेटे हो या भीमिका बेट हो या अमरद्वीप बेट हो, अब उस बेटों में भी जो अनुसूचित जनजातियाँ रहती है तो उनको तो स्पेशल जोन दिया गया है, लेकिन उन बेटों में जो मुस्लिम रहेगा उनको भी अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा। इस टाइप इस प्रकार के अगर आप ऑर्डर्स करते रहेंगे तो फिर जो हम करना हम अदर साइड से करना चाहते हैं कि हमारी कल्चर है या रिचुअल्स है राइट्स है तो वो कहीं तो भी डिस्टर्ब करने की कोशिश इनडायरेक्टली इन ऑर्डर्स की वजह से करते हैं। जैसे कि कोर्ट में भी अगर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स पास किए तो उसके अगर भी हो कोई भी यानी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट चुपके से कुछ तो भी स्पेसिफिक परिपत्र या ऑर्डर्स निकाल देती है, यानी दोनों कॉन्ट्राडिक्ट होते रहेंगे। तो इस तरफ के जो ऑर्डर्स 1951 का भी कुछ डिसएडवांटेज मैंने देखा है। बाद में फिर ये धीरे धीरे कुछ मैं स्पेशल कस्टमरी राइट्स के बारे में भी बोलना चाहता हूँ कि लॉ में एक है कि कस्टम प्रिवेल्स लॉ, यानी कस्टम प्रिवेल्स लॉ का मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि जहाँ कस्टम्स है
काफ़ी पुराने तरीके से तौर तरीके या अपनी संस्कृति जहाँ जहाँ से आ रही है उसमें कायदा नहीं चलेगा, उसको कहीं तो भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी रोका गया है कि प्रतिबंधित किया गया है कि नहीं ये कायदा काफ़ी पुराना है और आप इसी तौर तरीके से चलेंगे, इसमें कायदे के उल्लंघन नहीं किए जाएंगे। इसलिए हमारे कुछ गढ़चिरौली में हो या महाराष्ट्र के विदर्भ सेक्शन में जो कुछ भी ट्राइबल जोन्स हैं उनमें महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती कि नहीं उनमें जो कस्टमर राइट्स है या उसमें वो प्रिवेल करेंगे, यानी वो वही लागू रहेंगे, कायदे प्रिवेल करेंगे। बात तो इसलिए वो नियम नियम पे भी महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू यानी जमीन हस्तांतरण की कुछ कायदे नियम बनाए हैं कि शेड्यूल ट्राइब का जो अगर वो व्यक्ति होगा और उसको अपनी खेती या जमीन बेचनी होगी तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कि वो अपने नियरेस्ट रिलेटिव कोई खरीदने वाला है क्या, उसके बाद 5 किलोमीटर में जो कुछ रेंज में एसटी कैंडिडेट होगा वो परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड होगा, उसके बाद फिर नॉन ट्राइबल्स पर्सन्स को किराया देंगे प्रायर टू परमिशन ऑफ कलेक्टर। सो ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए भी कुछ कुछ ऐसी अनुसूचित जनजातियों में भी ऐसा देखा जा गया है कि इलीगल तरह से वो लैंड परचेस यानी सेल आउट किए जाते हैं एंड बेची जाती है। तो इस प्रकार के जो कुछ भी कायदे हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, सभी तरफ से उसको स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करने का ऑर्डर्स होना चाहिए या उसमें जजमेंट्स होने चाहिए और या अपने लिखित स्वरूप में कुछ तो भी कार्रवाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भी उस स्टेट गवर्नमेंट को अख्तियार लेना पड़ेगा। जैसे कि बाद में मैं कुछ और कायदों में आता हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट का भी कुछ प्रावधान कहे गए थे, जबकि हमने देखा है कि मैरिज करते हैं अपने मैरिज सेरेमनी कस्टम्स और राइट्स के यानी जाति रिवाजों की तरफ से चलती है, परंतु ऐसे भी कुछ मामले हुए थे कि हिंदू मैरिज एक्ट वो अनुसूचित जनजातियों को अप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, इसलिए कुछ कुछ हाईकोर्ट्स तक भी डिसीजन चले गए लेकिन उसमें कुछ वो स्टेटमेंट नहीं आया क्योंकि हिंदी मैरिज एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि वैश्य हो या आर्य हो हिंदू मुस्लिम उनको छोड़ के सेक्शन 2 में ट्राइबल अगर यानी अनुसूचित जाति जनजाति के ने व्यक्ति ने अगर शादी किया है तो वो हिंदू इसमें नहीं आएगा, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि एक जजमेंट आया था कि डॉक्टर सूरजमणि शेल्टर कुजूर वर्सेस दुर्गा हंसदास एक आया था, तो उसमें स्पेसिफिकली कोर्ट ने ऐसा सजेस्ट किया था कि ट्राइबल मैरिज एक्ट नॉट कवर्ड एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, यानी अनुसूचित जनजातियों का जो भी शादियां होंगी वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। इसके बावजूद यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि हम कॉलेज में हैं या पढ़ाई क्षेत्र में भी हैं हम हिंदू रिलीजन लेते ऐसा खुद की आइडेंटिटी कहाँ गई हमारी, ये इस किताबों में है ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के वक्त बड़ी तकलीफ आती है कि हम किस तरह से हम कायदों में एक पर्टिकुलर ढांचा बनाए जो हम यूनिवर्सली सभी की तरफ से हम पढ़ सके हम सबको दे सके। सो ये एक मेरा मुद्दा था क्योंकि ट्राइबल पीपल जो है अनुसूचित जनजातियों की भी हिस्ट्री थी कि एक कि क्या जरूरत गिरी थी क्योंकि डेवलपमेंटली हो या हिस्टोरिकली हो ऐतिहासिक हो या तो अनुसूचित जनजाति एक ग्रुप ऑफ पीपल्स यानी लोगों का समूह करके और ज़्यादातर ज़्यादा ऐसे भी कुछ एनालिसिस पाया गया है कि वो अपने लैंड पे डिपेंड रहते हैं, यानी कहना है कि कुछ पीएचडी करने के लिए आते हैं वो बिना अपने हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हुए कुछ तो भी इधर से जानकारी लेते उधर से जानकारी लेते, लेकिन जो यहाँ से ज़मीन से जुड़े हुए हैं उन लोगों की
कुछ जानकारी न लेते हुए सीधे सीधे किताबों में लुक जाते, और इंटरनेट के माध्यम से भी हम, यानी आजकल इंटरनेट के माध्यम से भी एक माध्यम अच्छा है, लेकिन किताबों की वजह से वाचन जो स्टडी सर जो कल्चर है वो भी लुप्त होते जा रहा है। तो मेरा कहना है कि खाली यानी हम लैंड्स पे डिपेंडेबल रहते हैं, ये कहाँ का है? हमारे पूर्वजों ने, हम आदिवासी है, अभी देखिए आज जनरल सोशल के वक्त भी आदिवासी है, ये सोचने का तरीका भी लोगों का बदल गया है। आदिवासी है यानी इलिटरेट है या कुछ, तो भी देखने का सोचने का तरीका, देखने सोचने का तरीका अलग हो चुका है। यानी मेरा कहना है कि आदिवासी है यानी मूल निवासी है, ऐसा सोचो। इसलिए क्योंकि आदिवासी है, आदिवासी है करके ये इसको मेंटली हैरेसमेंट करते हैं, और इसकी वजह से ये अनुसूचित जनजाति जो एट्रोसिटीज एक्ट है, अभी रिसेंट में जो आया था कि नहीं, फिर गवर्नमेंट अभी ये 1989 के बाद अभी फिर से 2018 में एक लेटेस्ट सेक्शन 80A डाला दिया गया कि एंटीसेप्ट्री बिल है वो दिया जाए। सेक्शन 18 था पहले, जो एंटीसेप्ट्री बिल नहीं दिया जा सकता, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया था कि नहीं, इनको नहीं दिया जाएगा जो कुछ भी ऑफेंसेस हैं। अब 2019 में जो पृथ्वीराज यहाँ के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर अपने चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली कि नहीं, अभी प्राइमा फेसी अगर यानी प्रथम दृश्य अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप एंटीसेप्टर बेल दे सकते हैं, तो उसमें ऑर्डर्स होने का है ये कोरोना की वजह से। लेकिन ऐसे जो क्लैशेस है, जो अमेंडमेंट होते हैं जाते हैं, वह ऐसा कुछ, यानी मेरा क्या है कि ये जो आपने कायदा बनाया तो फिर स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करो, उसका एडवांटेज होना, उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट होना, आर्टिकल 19, 14, 15, ये सभी बातें आपको राइट्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ट्राइबल पीपल ऑल ओवर, यानी ये कितने की भिल्ल समाज है, ये 37.7 ही समाज बचा हुआ है भिल्ल, उसके बाद 35.6 गोंड कम्युनिटी जो ऑल ओवर इंडिया में है, मध्य प्रदेश में 1.6 करोड़, वहाँ एमपी में है, मिजोरम, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, जो लिमिटेड स्कोप है। ऊपर से इतना होने के बावजूद भी आप एसटी यूनियन टेरिटोरीज ऑर्डर 1951 इस तरह के ऑर्डर्स निकालते हैं, ये कुछ तो भी मुझे, ये कायदों के विपरीत आप दूसरे ऑर्डर्स निकालते हैं, ये मुझे बात अच्छी पसंद नहीं आई, इसलिए मैं आपको बात ये शेयर करना चाहता हूँ। रही बात फिर कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी ऐसा देखा जा गया है कि उनके मुस्लिम वक्फ बोर्ड हो या मुस्लिम शरीयत एक्ट हो, ऐसे कुछ स्पेशल एक्ट उन्होंने अपने हिसाब से किए गए हैं कि वो उनको अदर्स एक्ट को प्रिवेल करते, यानी वो रोका देते और उसी को अप्लीकेबल रहता है। उसी तरह हमारे भी एक्ट कुछ रहने को होना जो सामाजिक संस्कृति को, यानी मैं ये चर्चा के माध्यम से मैं भी कुछ कहना चाहूँगा कि अनुसूचित जनजातियों के भी कुछ कल्चरल्स है या हिस्टोरिकल जो मोमेंट्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, उनको भी प्रिजर्व किया जाए, उनकी भी कुछ हिस्ट्री लिखा जाए, उसमें कायदों की तरफ से रूपांतरित किया जाए, यानी आने वाली पीढ़ी को भी उसके अधिकार मिलने को होना। तो मेरा ये कहना है कि ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है वो अनुसूचित जाति जनजाति, लेकिन मानसिक शारीरिक आर्थिक सामाजिक जो कुछ भी तौर तरीके से हमें ये कर रहे हैं उसमें कुछ रोक लगाई जा सकती है। यानी मैं नहीं कहूँगा कि कुछ जो गैर जनजातियों वाले लोग हैं तो उसमें कुछ उन्होंने एडवांटेज लेना चाहिए, आप सीधे सीधे तकरार कर सकते हैं, पर अभी हर वक्त तो छोटी छोटी बातों के लिए हम नहीं जा सकते, इसलिए कुछ को पैसा एक्ट जो है बीच में आया है 1996 में भी, उसमें भी हमें कुछ खाप पंचायत जैसे रूढ़िगत कायदा, धार्मिक प्रयत्न
यानी सांस्कृतिक या तंटे कुछ भी गाँव गाँव में भी हमें आज उस हम विदर्भ जोन में कुछ कायदों में चल रहे हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम आ रही है कि यूनिवर्सिटी यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होने वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है कि कहीं एक जोन में यानी धानोरा जोन में कुछ अलग खाप पंचायत पर निर्णय रहा है, तो उसी तरह आप गोंदिया साइड हो या अपने नीचे अहरी साइड हो तो वेरिएशंस ज़्यादातर दिखाई देते हैं, क्योंकि एक सामाजिक कल्चर का ठीक थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, लेकिन वो जो है उसमें उसके इंटरेस्ट के यानी सामने वाले जो कुछ भी हमारे बंधु भगिनी हैं या अपने भाईचारे हैं उनके कुछ फ़ायदे के लिए होना चाहिए। हाँ अभी बहुत यानी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मूर्ति हमें हमारी संस्कृति ने जो दिया गया है उसका संगोपन हमने करना चाहिए, आने वाली जनरेशन ने भी करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में उसका लिखित स्वरूप से कुछ तो भी लिखित होना चाहिए जो कि सभी हमारे अनुसूचित जनजातियों के भाइयों में वो एप्लीकेबिलिटी होना चाहिए। तो मेरा ऐसा कहना है कि ये जो सामाजिक विचारसरणी है, मैं जो बोल रहा था, मैं सामाजिक विचारसरणी का जो मेरा मुद्दा था कि हम अनुसूचित जनजाति या जाति या कुछ भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमें इस तरह से जिस तरह से सामाजिक मूवमेंट्स में हमें देखा जाता है, ट्रीटमेंट दी जाती है, उसका कहीं तो भी हमें रुकावट होने चाहिए, जबकि हमारे संस्कृति हमारी जो राइट्स है उनको कुछ तो भी वो सामने आने को हम बढ़ावा दे पाए, इसलिए ये ज़रूरी होना है। उसके बाद में पैसा एक्ट में माइंड में ऑलरेडी बोला था, लेकिन कुछ गवर्नमेंट्स कुछ उसमें काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, उसमें एक्सक्लूसिवली कितना है। अभी ग्राम सभा में देखिए कि ग्राम सभा में भी जो फॉरेस्ट लैंड दिए गए हैं उसमें भी इंटरफेयर कर रहे हैं, जबकि ग्राम सभा को ऑलरेडी फुली राइट्स दे दिए हैं। गौन खनिज यानी उत्खनन हो या हो, फिर भी रिपोर्ट देने वाले सीधे सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ ही जाते हैं। अब ज़्यादातर अभी मेरा जहाँ काम हो रहा है, अभी मैं लास्ट प्रीवियस स्टेशन में जब था तो राजूरा करके फॉरेस्ट लैंड थी, वहाँ पे भी पुलिस राइट्स को, जब ग्राम सेवा को उनके राइट्स थे लेकिन कोई यूज़ नहीं करता। तो ऐसा भी सभी लोगों को अपने अधिकार पता होने चाहिए। अब ये तो मेरा SC ST एक्ट के मामले में जो बारे में जो था कि हमें हमारी जो धैर्य थी पूर्वजों से आई हुई उनका हमें पालन करना चाहिए, उनका संगोपन करना चाहिए और वो कायदे के रूप से अच्छे से प्रेजेंट करना। अभी राजकीय मैंने पहले भी बोला था कि राजकीय तौर पे जो कुछ भी भाषा गई थी वो उनको देखिए कस्टमरी राइट्स में मैंने बोला था कि कस्टमरी राइट्स को हमें कुछ खाली यही बता दिया गया है कि नहीं आपको हम आपकी कल्चर होंगे, लेकिन वो अभी कल्चर है तो कल्चर बताने के लिए हमें पूर्वज चाहिए, पूर्वज है लेकिन वो रिटर्न नहीं है, अभी बताने वाले विटनेस में आके कुछ भी बता सकते, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ तो भी लिखित स्वरूप से हमें प्रयत्न करना चाहिए कि इस तरह से भी कुछ रिटर्न हमारी कुछ व्यवस्थाएं की गई है जिसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है जो हम बता सके या उसको हम कायदे के रूप में ला सके, तो आने वाले समय में हम उसके लिए अच्छा बेनिफिटेड कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी ये तो रहे कुछ मैं ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ कि कुछ
ग्राम सभा में भी ऐसा बोला गया है कि सामाजिक या आर्थिक विकास योजनाएं हो जो गवर्नमेंट कर रही है, या जमीन हस्तांतरण के मामले में भी कुछ अच्छे नियम फॉलो कर रही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक मामलों में कुछ तो भी, जो मेरे विचारवंत जो है अधिकारी यानी जो अच्छे उसमें वो प्रयत्न कर रहे हैं, उन्होंने अपना लिखान करना चाहिए, ऐसा मैं अपेक्षित करता हूँ। बाद में मैंने एक दूसरा एक टॉपिक भी यूज़ किया था कि अरेस्ट, अभी मैं ये अरेस्ट के मामले में मैंने क्यों छेड़ा, क्योंकि ज़्यादातर अनुसूचित जनजाति को ऐसे ही कुछ भी कोई कारण न होते हुए भी अटक किया जाता है, यानी प्राइमरी रिपोर्ट न होते हुए भी ऐसे ही उठा जाते और दूसरे गुनों में डाल दिया जाता है। तो ये सरासर गलत बात है और इसके लिए एक डीके बसु स्टेट ऑफ वर्सेस बंगाल, ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था ये भी काफ़ी है कि अननेसेसरी यानी बेवजह किसी को अटक करना ये संविधान के खिलाफ है। क्योंकि इस केस में क्या हुआ था कि पुलिस लोग आए थे, वेस्ट बंगाल की केस है ये, कि आप प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए आप षड्यंत्र कर रहे हैं, बस इतनी इतनी सी बात के लिए इनको अरेस्ट कर दिया गया था और उनको अननेसेसरी हैरेसमेंट करके वो डिटेन कर दिया था। बाद में हाई कोर्ट ने सू मोटो यानी खुद ही उनको रिट में डाल के पुलिस लोगों को कुछ डायरेक्शन दी गई थी कि नहीं, इस टाइप का आप इलीगल डिटेंशन नहीं कर सकते, यानी गैर तरीके से आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ आपको रिपोर्ट या उसकी जानकारी देनी चाहिए थी। अब कुछ कुछ इसमें नक्सलाइट्स की कुछ कार्रवाई में भी ऐसा देखा गया है कि आप ऐसे ही किसी को लेके जाते हैं और उसके बाद में उनको वो ये बिना जानकारी देते हुए, यानी उनके रिलेटिव्स को या नियरेस्ट फ्रेंड्स को आप बिना बात बताए हुए अरेस्ट करते हैं, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। क्योंकि आप अरेस्ट करते हैं तो अरेस्ट करते वक्त अगर अनुसूचित जनजाति वाली स्त्री होंगी तो उसको उसके नियर यानी अपने नियर नाते यानी जो रिलेटिव है रिलेटिव वालों को जानकारी देनी पड़ेगी, या उनके कुछ माता पिता है उनको जानकारी देनी पड़ेगी और अटक होने के काम कारण भी बताने पड़ेंगे। और अदर अगर आप अदर स्टेट में हैं तो आपको 12 घंटे अटक नहीं कर सकते, अदर स्टेट में है तो उसका रिजनेबल आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। और वो अटक करने के बाद आपको नियरेस्ट कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना पड़ता, ऐसी कुछ बातें हैं, लेकिन वो फॉलो होता है नहीं होता है, पर ये आपके राइट्स है ये बताने के लिए मैं बताने का ये माध्यम था। जनरली एक्ट है लेकिन वो भी SC/ST एक्ट में ज़्यादातर यही बातें दी गई थी कि हमें इस मकाम में क्यों आना पड़ा, कि हमें हमारी राइट्स हमारी संस्कृति होने के बावजूद भी हमें आज अत्याचार प्रतिबंधक कायदा में कवर किया करा गया, क्योंकि कहीं तो भी हम टोलियों में बढ़ते गए, यानी एकता न होने की वजह से हो या कुछ कारण, यानी मेरे कुछ सवालत यानी खड़े हो गए कि क्या वजह थी कि हम शासक होते हुए भी हमारे भूमि पे और हमारे अस्तित्व होते हुए भी हम और पीछे चले गए। तो इसकी वजह से भी हमें विचार करने की हमें यानी
जरूरी है। और संस्कृति को भी कष्ट भी प्रिजर्व किया जाए, इसके मामले में भी हमें अच्छे प्रयास दिखाए जा रहे। और लिखित स्वरूप का भी कुछ होना चाहिए, या आने वाली जनरेशन को भी उसके एडवांटेज होने चाहिए। अनुसूचित जातियों के टोलियों में भी वो जो वास्तव में रहते थे, तो वो सामाजिक जो कल मैडम ने बोला कि गोटुल जो है वो गोटुल संस्कृति भी कहीं तो भी हमारे लुप्त हो रही है, तो उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। और सामाजिक आर्थिक बल से भी सक्षम पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के पहल भी हमें और सोचने चाहिए। तो ज़्यादातर मैंने ये सब्जेक्ट ज़्यादा लिए नहीं थे, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि अनुसूचित जनजातियों में भी कुछ अत्याचार होते होंगे या कहीं और है, तो उसकी तुरंत रिपोर्ट आप दे सकते हैं। अगर उसने कॉग्निजेंस नहीं लिया तो आप SDM और उसने उनके अधिकारियों पे भी उसकी तरफ से वो राइट्स ले सकते हैं, उनके अगेंस्ट में भी एक्शन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ले लेंगी। तो हमें कायदों के मामले में भी ये ऐसा सोचा गया है कि कायदे तो है लेकिन कुछ कायदे नहीं हैं जो एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि संविधान में कुछ दिए गए बातें हैं जो 14, 15, 19 जो है कि हमें सब जीने का अधिकार है, लेकिन अनुसूचित जनजाति सिर्फ सोशल बैकग्राउंड के लिए जो पीछे है, ऐसे मामले ऐसे भी बात कहना गलत नहीं है, पर उसमें हमें किस तरह से पीछे डाला गया, इस मामले में भी हमें सोचना चाहिए कि हम इसका पहल मुझे नहीं पता, मेरे से वो अलग विषय होगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों में हमारी वो कल्चर तो है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आगे क्यों नहीं बढ़े, इसका भी हमें विचार मंथन होना ज़रूरी है। क्योंकि समय समय पे ये होना ज़रूरी है कि समय के अनुसार परिवर्तन भी होना ज़रूरी है, पर परिवर्तन इतना भी न हो कि हम अपनी कल्चर को खो बैठे। इसलिए ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए हमें एक विचार मंथन करना होगा, क्योंकि जो चार वर्ग किए गए हैं ब्राह्मणवादी या मनुवादियों ने जो चार वर्ग किए हैं, इसलिए ये इस तरह के अनुसूचित जनजाति चतर प्रतिबंधक कायदा बनाने की क्या ज़रूरत की, क्योंकि ये चार वर्ग है, ये बीच में बीच वाले कुछ मध्यकाल में ही इनकी बातें रुचि गई थी, जबकि इसके पहले ऐसे कुछ भी विचारधारणाएं नहीं थी। आप अगर क्योंकि देखा जाए तो ये जो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में तो या MP में संथल एक क्रांति हुई थी, संथल क्रांति, उसमें भी अच्छी हमारे अनुसूचित जनजातियों ने अच्छी क्रांतिकारी की गई थी। उसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि हम एक सामाजिक तौर से कुछ पीछे रह गए, ऐसी बात नहीं थी। इसलिए ये इतना होने के बावजूद भी हमें इस मोड़ पे आना पड़ा कि आज हमें ही अपने जगह अत्याचार करना, यानी जो एट्रोसिटी की जिस तरह से पहल है तो फेस करने पड़ रही है। इसलिए मैं अपने सगा भाई भाइयों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि इसमें कुछ तो भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। ज़्यादातर कोर्ट कचहरियों में भी ऐसा देखा जाता है कि जो लॉ एग्जीक्यूट होता है वो उसी तरह से देखा जाएगा जो लिखित है वो, पर अगर अनरिटन होगा तो उस बात में हम कायदों में है कि 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट होगा तो ही वो कंसिडर किया जाएगा डॉक्यूमेंट होगा,
अगर डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? फिर पुराने जो लोग हैं, जो जिनको उस कल्चर के मामले में बारे में पता है, उनका विटनेस करके कंसिडर किया जा सकता है। और इसी स्वरूप से हमें भी पुराने लोगों की जो संस्कृति है वो हमें उनकी जतन करना पड़ेगा। और इस तरह से SC ST एक्ट के भी राइट्स है जो है हमें फॉलोअप करना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि इस सारी विचारसरणियों से आगे हम ऐसा सोच सकते हैं कि आने वाली इस जनरेशन में भी हमें कायदों में भी और अभिरुचि सोचनी पड़ेगी, कुछ सोचना पड़ेगा, लिखने पड़ेंगे क्योंकि वो कायदों के रूप में कैसे इस प्रकार से एग्जीक्यूट हो कर पाए। हम सोच रहे हैं, अच्छा ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं, लेकिन वो सभी बातों को सामाजिक तौर पे हम एकजुट नहीं कर पाने की वजह से कहीं तो भी हम तितर बितर हो रहे हैं, जो जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कल्चर एक है, कस्टम्स एक है, और कस्टम फॉलोअप भी हो रहे हैं, लेकिन वो कहीं तो सर्टन लिमिटेड तक ही उस रुक रहे हैं, उसके बाहर हम जा नहीं पा रहे हैं। तो ये सभी बातें अगर हम ध्यान में रखें तो हमें लगता है कि और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा हमें। जैसा हमने सोचा था कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में अगर हम देखा जाए तो काफ़ी हम पीछे, यानी हम पूर्वतः खेती बाड़ियों में भी डिपेंडेबल है, और अभी अभी जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो शिक्षा के मामले में भी हमें, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेस है उसमें भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम विद्यार्थियों को कैसे हम प्रोफेशनल कोर्सेस में आगे ला दे सके, इस तरह के मामले भी हमें सोचना पड़ेगा। अभी आर्टिकल जो 19 था फंडामेंटल राइट्स, तो बिजनेस रिसाइडिंग, अभी कॉन्स्टिट्यूशन एक साइड बोलते कि हाँ आप कहीं पे भी डिसाइड कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, वो दिया है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ में हमें अनुसूचित जनजाति के अधिकार भी प्राप्त करना चाहिए। जैसे ही हम राज्य बदलते हैं, हमारे अधिकार ही ये कुछ तो भी प्रतिबंधक लगाया जा सकता है, लगाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हमें हमारा बॉर्न प्लस प्लेस जो है जैसे राइट्स अधिकार देता है, वैसा ही, क्योंकि हम हमारी आइडेंटिटी तो ये नहीं हो पाई ना कि चलो महाराष्ट्र में ट्राइबल है इसलिए MP में नहीं, या छत्तीसगढ़ में नहीं, या UP में आप ट्राइबल नहीं लग सकते। तो इसके मामले में भी हमें कहीं तो सोचना चाहिए, क्योंकि अनुसूचित जनजाति ये कोई वास्ट या लास्ट एंटरटेनमेंट नहीं है। इसको कहीं तो भी आप लिमिटेड स्कोप में नहीं देखते हुए, आप एक गट में हैं, आप पर्टिकुलर कम्युनिटी है, तो उसमें भी आपको पूरी तरह से अधिकार देना चाहिए। तो ये भी बात थोड़ी सोचने लायक है। तो बाकी के जो स्पेशल एक्ट है वो जनरली अदर्स कम, ज़्यादातर नॉन जनजातियों के लिए है, लेकिन अभी भी कुछ संभ्रम है कि कुछ कम्युनिटी में एप्लीकेबिलिटी होती है, नहीं होती है, अनुसूचित जनजातियों को ये कायदा लागू होता है, नहीं लागू होता है, ऐसे बहुत से कायदे होते हैं कि जैसा हमें देखते हैं कि अपना ये हिंदू मैरिज एक्ट हो या कस्टमरी राइट्स हो, कस्टमरी राइट्स के मामले में कुछ ही स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। तो इस मामले में हम सिर्फ पुराने लोगों का एविडेंस लेके ही उसको ग्राह्य करते हैं, तो ये कहीं तो भी हमें उसमें सोचने की ज़रूरत है। विषय ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने कहीं तो भी अपने आपको ये
मैंने सिर्फ एक विषय था, एक सामाजिक विचार सरणी थी जो मुझे लगा कि आपके मैं आपके सामने एक प्रकट कर सकूं, इसलिए ये एक माध्यम मैंने चुना था। और रही बात कुछ कायदों की, तो कायदों में जो है वो जिस प्रकार से कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए या कुछ सोशल कल्चरल एस्पेक्ट में भी कुछ होना चाहिए, तो ये बात तो हमें सोचने की ज़रूरत है। और उसमें भी अच्छा अध्ययन करने के लिए हमें मुझे एक प्लेटफॉर्म आपने दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद चाहता हूँ। और समय से पहले ही मैं ख़त्म करना चाहूँगा 15 मिनट, क्योंकि कायदों में ज़्यादा छेड़ना और जो कुछ भी रिस्ट्रिक्ट है वो रिस्ट्रिक्ट जोन में रहने के होने की वजह से मैं ज़्यादा उसमें बात नहीं करना चाहूँगा। और बीके वड्डी जी ने मुझे वो जो संविधान 13(3) के बारे में भी बोला है, उसमें भी कुछ सुधार नए हैं, इसलिए मैं वो उसके बाद में मैं रिप्लाई में उसका ये आपको एक्सप्लेन करूँगा, ऐसा मैं अपेक्षित करता हूँ। और धन्यवाद गोंडवाना दर्शन जी, मैं मेरे सब्जेक्ट को मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।